जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर 11 अक्टूबर को मेरठ से रैली का आयोजन किया गया। ये रैली आज गाजियाबाद से होते हुए जंतर मंतर तक जाएगी। रैली का आगाज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किया गया। दरअसल देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या, जहां एक तरफ भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रही है, तो वहीं क्षेत्रफल के चलते लोगों को अपने आशियाने तक नहीं मिल पाते। ऐसे में यदि बढ़ती जनसंख्या पर कोई कानून नहीं बनता तो ऐसा समय आएगा कि जब खाने को रोटी, पहनने को कपड़े और रहने को जमीन भी मुहैया नहीं हो पाएगी। इन सभी को लेकर जनसंख्या नियंत्रण बनाने की मांग के लिए रैली का आयोजन किया गया। ये रैली जंतर मंतर पर जाकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देगी। देश में जब हम अपने देश में रह रहे हैं तो हम साफ साफ बात करें कि हमारे देश में घटता जल और संख्या, जो हमारे भूभाग की जो स्तर है वो भी हमारे पास कम है, और बढ़ती हुई जनसंख्या, ये पूरे संसार में भारत एक ऐसा विषय बन चुका है जनसंख्या के मामले पे, और आज 2019 पे ये विस्फोटक स्थिति पर आ चुका है। हम माने ना माने, हम कितना विकास कर लें, कितनी प्रगति की बात कर लें, ये सब कम पड़ जाएगा अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू ना हुआ। इसी के लिए ये पदयात्रा हमने रखी है कि लोग इसमें जुड़ें और सरकार तक ये संदेश जाएं कि जितनी जल्दी हो सके इस देश को हम सब मिलकर बचा लें। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है ये हिंदुस्तान का, कि कितने भी अपने राज्य, मतलब हिंदुस्तान में विकास कर लें, कितने पुल बना लें, कितने अपने मतलब संसाधन जुटा लें, जब तक जनसंख्या पे अपन कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये समस्याएं समाप्त नहीं होगी। जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, जितनी आबादी बढ़ रही है, हम तो एक नारा लगा रहे हैं, हम दो, हमारे दो और उनके भी दो। तो मेरा ये सबसे, हम मोदी जी से और पार्लियामेंट से मांग करते हैं कि तुरंत जल्दी से जल्दी हमारी जन भावनाओं को, सभी संगठनों को सुने और ये जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट का सेशन बुला करके और ये हमारे कानून की मांग को, दो बच्चों में टू चाइल्ड पॉलिसी को तुरंत लागू करें।